गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास मैथ की क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है ट्वेल्थ चैप्टर, जिसके हमने कुछ सम किए थे, बाकी वाले सम हम देखते हैं आगे, जिसमें हम करेंगे थर्ड का फोर्थ पार्ट, जिसमें क्या दे रखा है, ब्रैकेट्स दे रखी है, ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज हैं और ब्रैकेट के बाहर पावर क्या है, जीरो। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। जब हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/3, बिकॉज क्या है पावर यहां पर क्या है आपकी माइनस, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 1/4, ये भी क्या हो जाएगा 1/5। अब एक तो क्या होता है कि भी हम इसको सोल्व करेंगे फिर उसके बाद पावर अप्लाई करेंगे, लेकिन बेटा यहां पर क्या है, आप चाहे इसको किसी भी तरीके से सोल्व करो, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पावर लास्ट में जाके क्या करना पड़ेगा, हमें जीरो अप्लाई करनी पड़ेगी। और हमारा जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, अगर किसी की भी पावर जीरो है तो हमारा आंसर क्या आएगा, वन। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मान लेते हैं हम वैल्यू कुछ भी आ जाती है तो उसके बाद भी हमें क्या अप्लाई करना है, जीरो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा फिर भी आएगा वन। तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, बिना सोल्व किए, क्योंकि लास्ट स्टेप क्या होगा, जीरो अप्लाई, तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, वन। इस तरीके से आपको ये समझना है, क्योंकि अगर मैं इसको सोल्व करूंगा उसके बाद भी लास्ट में हमें जीरो अप्लाई करना पड़ेगा, फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, वन। तो हमें ये फॉर्मूला इसमें यूज करना है। फिर है आपका फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमारा क्या है, ये मिडिल ब्रैकेट, फिर ये शॉर्ट ब्रैकेट। पहले हम शॉर्ट ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, -2/3। हमने कल एक चीज बताई थी कि भी जहां पर ये फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है और पावर यहां पर क्या है, माइनस, तो हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे रेसिप्रोकल और पावर आपकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी आपकी प्लस। ये आपका यहां से इस तरीके से हो जाएगा, या फिर मैं इसको करके ही दिखा देता हूं कि भी किस तरीके से आपको यहां पर करना है। हम क्या करते हैं, जिसकी पावर माइनस है सारी वैल्यू को हम नीचे लेके आते हैं वन के, और पावर यहां पर कर देते हैं प्लस, और ये है आपकी मिडल ब्रैकेट जिसके ऊपर पावर क्या है, टू। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, लेकिन अभी भी क्या है, हमने सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट की ओर सोल्व किया है, अभी भी पावर क्या है यहाँ पर, 2 रहती है। फिर हम क्या करेंगे, 9 ऊपर आ जाएगा या 4 नीचे रह जाएगा, ये वही तरीका हो गया जो कि हमने डायरेक्ट यहाँ से रेसिप्रोकल किया था, यानी 1 मल्टीप्लाई 9 बाई 4 और मिडिल ब्रैकेट के बाहर पावर है 2। तो यहां से 1 × 9 9/4 बाहर है पावर 2। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो 9 का स्क्वेयर करेंगे और 4 का भी स्क्वेयर करेंगे, तो 9 का स्क्वेयर आपका क्या आ जाएगा, 81, और 4 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा आपका, 16। अगर मैं इसी चीज को यहां से क्या कर सकता हूं, दूसरे वाले तरीके से भी कर सकता हूं, दूसरे वाले तरीके से सिर्फ आपका इतने में सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो यहां पर पावर माइनस है तो अंदर जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस, और यहां से पावर 2 बन जाएगी और बाहर पावर क्या है, 2। इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। फिर क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, पावर बन जाएगी 4। अब यहां पे माइनस है वैल्यू और यहां पर पावर क्या है, इवन, तो हम क्या करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से भी 3 रेज टू पावर क्या होता है, 481, 2 रेज टू पावर 4 क्या होता है, 16। तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं या आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आप कब यूज करेंगे, जब आपको सभी फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से आते हो, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप हमने यहां पर करके दिखा दिया है। ये था हमारा थर्ड सम। अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट सम, जिसमें क्या है, फोर्थ में इक्वेशन दे रखी है, हम उसको सोल्व करेंगे। फोर्थ है हमारा 8 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 3 और नीचे है 2 रेज टू पावर -4, जिसमें हमने क्या करना है, पहले 8 रेज टू पावर -1 हम क्या लिखेंगे, 1/8, 5 रेज टू पावर 3 हम क्या लिखेंगे, 125,
इस सारे के नीचे क्या है, 2 by 2 raised to power -4, जिसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे और पावर क्या हो जाएगी प्लस। अब ये 8 नीचे आ जाएगा, ये 125 एज इट इज, और यहाँ पे क्या है 1 divided by 2 raised to power 4, जिसको हम क्या लिखेंगे 16। अब यहां से 8 1 जा 8 2 जा तो हमें क्या मिल जाएगा 125, ये आ जाएगा 1 by 2। अब हम क्या करते हैं, ये 1 by 2 है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाके क्या करेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा 1 रह जाएगा नीचे। अब 125 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 250 by 1, इट मींस ये आपका आंसर आ जाएगा 250। इस तरीके से पहले 8 raised to power minus 1 को हमने 1 by 8 किया, 2 raised to power minus 4 को 1 by 2 raised to power 4 किया, and 5 raised to power 3 क्या हो जाएगा 125। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 250। इसी तरीके से इसका है सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है उसमें दे रखा है 5 raised to power minus 1 मल्टीप्लाई 2 raised to power minus 1 मल्टीप्लाई 6 raised to power minus 1, जिसके ऊपर पावर है माइनस की तो हम क्या करेंगे 1 के नीचे लिख के हम पावर कर देंगे प्लस, यानी 5 raised to power 1 को हम इसी तरीके से लिखेंगे 1 by 2 1 by 6। सिंपल आपका आंसर 5 2 10 6 60, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे हम हर रोज अपने दो दो या चार चार पार्ट करते हैं, और ये हम हर रोज सिर्फ दो या चार पार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी, और ये आपके जब नेक्स्ट जब आप टेस्ट दोगे किसी भी एग्जाम के लिए तो बहुत जरूरी होते हैं, और ये हमें कब आएंगे जब आपको क्या होगा फॉर्मूला याद होंगे। तो आज हम करेंगे इतना ही, थैंक यू बच्चों।